दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी लक्ष्मीकांत पंडित और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी समस्या पर जिससे भारत दो चार हो रहा है। जी हाँ, कोरोना का संकट उसका एक बड़ा कारण बन रहा है। लगभग 5 करोड़, मतलब एक प्रदेश जो होता है उसकी जनसंख्या के लगभग लोग पूरे भारत में दाएं से बाएं हो चुके हैं, ऊपर से नीचे जा चुके हैं। खासकर जो उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, यहाँ के जो प्रवासी मजदूर पूरे देश फैले हुए से, मतलब गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, आपका साउथ में जो बड़े राज्य होते हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, वहाँ से उनका आना जारी है और एक बड़ी तादाद है। जी हाँ, मैंने 5 करोड़ लोग बोला है और ये करीब 2 महीने के आंकड़े हैं। इन 2 महीनों में इतने लोग अपने घर की ओर गए हैं और ये बड़ी तादाद 3 राज्यों में प्रमुख तौर पे गई है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तरांचल, उत्तराखंड और राजस्थान। मध्य प्रदेश के भी लोग उधर से लौट के आ रहे हैं, महाराष्ट्र से, और कई लोग जा भी रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद बिहार की है और उत्तर प्रदेश की है। इतनी बड़ी संख्या में मज़दूरों का पलायन एक बहुत बड़ी घटना होती है और जब लॉकडाउन हट जाएगा तब मज़दूरों को वापस लाना, उनसे काम कराना एक बहुत बड़ी समस्या होगी। तो भारत को इसके लिए भी एक प्लान तैयार करना पड़ेगा। फिलहाल प्रधानमंत्री के वादे के मुताबिक कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और करी और कुछ घोषणाएं करी है। उम्मीद है कि एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस और होगी और इस प्रकार की घोषणा और हो जाएगी तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में कुछ सहायता मिल पाएगी। आप सभी घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।